मैं रजनी पंडित हूँ, इंडिया की फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव। ऐसे मैंने नहीं बोला है, लेकिन दुनिया बोलती कि मैं फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव हूँ और मेरा एज अभी 50 है। मैं बिल्कुल रिटायर नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं काम करती रहूंगी। बचपन से मेरी ऐसे हॉबी नहीं थी कि मैं डिटेक्टिव बन जाऊँ या डिटेक्टिव बिजनेस क्या होता है कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मेरे साथ जो कॉलेज में एक लड़की पढ़ाई करती थी उसके साथ का उसका बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लगा और मैंने काम लेना स्टार्ट कर दिया। फिर उनके डैडी मेरे साथ आए, हमने उनको दिखाया कि लड़की कैसे गलत लोगों के चुंगल में फंस गई है। वो मैंने शो करके दिखाया, तभी उनको विश्वास हुआ, तभी उन्होंने बोला आप तो स्पाई। तब तक मैं स्पाई हुए तो मुझे लगा स्पाई अच्छा है, लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट कैसे करते का कुछ भी आइडिया नहीं था। और बचपन में मेरा ऐसा था ना कि कोई झूठ बोल रहा है ना तो वो सच्चाई सामने लाने का। एक माउथ पब्लिसिटी लोगों से होने लगी कि मैं ऐसा कुछ काम करती है। हाँ, लोग तो बहुत टीका करते थे, एक लड़की है और मैं बहुत दुबली पतली सी थी, छोटी सी लगती थी, तो बोलते ये क्या काम करेगी, कॉलेज से हम लोग बाहर पढ़ते तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बोलते ये क्या काम करेगी, ये कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे जैसे लोगों का काम बनने लगा तो अपने आप माउथ पब्लिसिटी होने लगी। काफी लोग यानी पॉलिटिशियंस हो या कोई फिल्म इंडस्ट्री के हो, आम लोग हो, सभी लोग विश्वास के साथ आने लगे कि एक औरत है और यहाँ फंसने वाले नहीं है, तो काफी लोग मुझे इज्जत देने लगे। मैंने एक रिपोर्टर का काम किया था तो वो बहुत इम्प्रेस हो गए और उन्होंने फिर मेरा न्यूज पेपर में दे दिया। वो आर्टिकल पढ़ के फिर किसी ने इंग्लिश मैगजीन में दिल्ली में दिया, तो दिल्ली से लोग मेरा इंटरव्यू करने मुंबई आ गए, दिल्ली दूरदर्शन से। तभी कोई चैनल नहीं था जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ, तो दिल्ली दूरदर्शन से लोग आए और उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू करना है। उन्होंने कहा किस सिलसिले में, तो बोले आप पहली डिटेक्टिव है महिला। तो मैंने बोला मुझे तो मालूम नहीं मैं पहली हूँ सेकंड हूँ। फिर उनको मैंने इंटरव्यू दिया। अभी काफी सारे रिपोर्टर्स है, मुझे जो पहले अवार्ड दिया गया उसमें भी किसी ने बोला था इनको अवार्ड देना है या नहीं देना है, क्योंकि ये लोगों का घर तोड़ने का काम करती है। फिर उनके घर का ही प्रॉब्लम सॉल्व किया तो बोलते नहीं नहीं इनको अवार्ड देना ही चाहिए क्योंकि हमारा घर तो बच गया है ना इनकी वजह से। ऐसे करते 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 फिर मेरे को 60 अवार्ड मिल गए। ये लोग डिटेक्टिव के पास क्यों आते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, लोगों का बर्ताव ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी कोई बोलते हैं कि मेरी वाइफ ठीक नहीं है इसके लिए मैं इन्वॉल्व हूँ, तो कभी कभी औरत को डाउट होता है तो वो लोग आते हैं। शादी होती है, शादी के बाद तय होती है तभी लोग आते हैं, लड़का लड़की के बारे में इंक्वायरी करो। कॉलेज स्कूल होता है तो उसके बारे में जानकारी के लिए लोग आते हैं, चोरी है ये है, बहुत सारे इसमें होते हैं। उनको पकड़े जाते हैं तो बहुत देखते जैसे आदत होती है। और एक तो क्या है कि हम लोग बाहर से वॉच रखते हैं, लेकिन किसी के घर में रहकर उनका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने सिर्फ 3-4 ये किए रोल्स, मुझे गूंगे बहरे का रोल करना पड़ा, एक को किसी का एड्रेस चाहिए था तो फिर अंधे का रोल किया। अपने अपने दिमाग पे सोच सोच के मेरे काम सीख गई मैं। आपकी मन की जो शक्ति होती है ना वो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आपका रहता है। और मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मेरा काम घर का जो होता है, घर की साफ सफाई बहुत लगती है, कहीं भी कुछ गंदा ऐसा लगा तो पसंद नहीं है, तो जो मेन काम है वो मैं करती हूँ। फिर खाना बनाती हूँ, सब्जी उब्जी मैं आज भी मैं ही बनाती हूँ। अगर मुझे 4 बजे भी निकलना हो तो मैं रात को 2 बजे बना के घर से निकलती हूँ। जो मैंने केसेस किए तो वो केस के बारे में मैंने डिटेल्स में बताई है कि मैंने कैसे केसेस सॉल्व किए, मुझे किस तरह से अपना ये उड़िया बदलना पड़ा, कैसे अपने आप को काबू में रखना पड़ा, तो इसके लिए क्या क्या चीजें। तो कई कई ऑफिसर बोलते हैं कि आपकी किताब हमने गाइडलाइन के लिए रखी है कि कोई प्रॉब्लम हो और हमसे नहीं सुलझा तो मैं आपको किताब निकालते देखता हूँ और इनको ये प्रॉब्लम आई थी तो इन्होंने कैसे सॉल्व किया। तो
तो ये मेन चीज है. लेकिन अभी मैंने ना मेरे पास लिखने जैसा खूब है क्योंकि 80,000 के ऊपर मेरे केसेस हो गई थे. इसके अंदर मैंने बोला कि देखो जब भी होगा तभी लिख के आधा आधा रख दिया है लेकिन पब्लिश नहीं किए है. वेब सीरीज कनाडा के लोग कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है वो वेब सीरीज, और पिक्चर यहाँ के लोग बना रहे हैं. वेब सीरीज का मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ में पब्लिश हो जाएगी. मैं बिल्कुल रिटायर नहीं होने वाली हूँ क्योंकि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं काम करती रहूंगी. तो लोगों ने बोला कि आप चाहिए तो लिख के लेकिन आप ही मेरा काम ले लो, इतना लोगों का विश्वास है. ऐसे लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है नहीं इनका कॉन्फिडेंस हमारे लिए इतना है ना तो मैं मरते दम तक काम करूंगी.